हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग डीसी मोटर से रिलेटेड सुपर 20 से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले, जो कि ज़्यादातर जेई एग्जाम्स में पूछे गए। इस सेशन मेरा बीएमसीजी एज वेल एज एमएससी डीसीएलजेई डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी रिसेंट नोटिफिकेशन आया है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप इस सेशन को कंप्लीट एंड तक देखना। इसके पहले भी मैंने बीएमसी सब इंजीनियर एग्जाम का मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल का सिलेबस कंप्लीट कवर करा है। हालांकि अभी तक बीएमसीजी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल सिलेबस अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग डीसी मोटर को एज अ इंटीग्रल सब्जेक्ट लेते हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इस सेशन को हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे, सो दैट आपका जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आप ये जो भी एमसीक्यूज़ को रिवाइज कर सको अच्छे से और अच्छे से उसको पढ़ सको। या MMRDA का जो भी अभी नोटिफिकेशन है उसके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में जहाँ पे डीसी मोटर के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जहाँ पे डीसी मोटर कंसिडर्ड है, वहाँ पे ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इसके पहले आपने मेरा डीसी मोटर का 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का सेशन नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। इसके पहले भी मैंने डीसी मोटर का एक्सप्लेन सेशन इसके पहले भी लाया है। सो सेशन को शुरू करते सबसे पहले शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को हिट करेगा, सो दैट आपको मेरा सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस सेशन को देख सको। शुरू करते पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज नॉट एडवाइजेबल टू रन एट नो लोड। इनमें से कौन सा मोटर है जो कि एडवाइजेबल नहीं है नो लोड पर रन होने के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, फिर अब मैं आपको इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि क्यों नहीं होता है। बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डीसी मोटर। देखिए क्या होता है ना, जब भी मैकेनिकल लोड अप्लाई नहीं होता है उस टाइप पे, अगर डीसी मोटर पे नो मैकेनिकल लोड से हम उसको स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि करंट लो होता है और काउंटर ईएमएफ जो भी प्रोड्यूस होता है फील्ड वाइंडिंग के कारण वो इतना वीक होता है कि आर्मेचर को फास्टर रोटेट होना पड़ता है, आर्मेचर को फास्टर टर्न्स लेने पड़ते हैं, सो दैट जो भी वो प्रॉपर एक सफिशियंट काउंटर ईएमएफ वो प्रोड्यूस कर सके जो कि वो बैलेंस करेंगे सप्लाई वोल्टेज को। इसके कारण क्या हो सकता है ना, मोटर डैमेज हो सकती है ओवर स्पीडिंग के कारण, इसीलिए डीसी सीरीज मोटर जो है वो एडवाइजेबल नहीं होती है नो लोड पे रन होने के लिए। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसका मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। होता क्या है, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी बाय फाई, और आपको पता है ये फाई डिपेंड करता है करंट पे। ये एक छोटे से इक्वेशन से आप इस चीज़ को रिलेट करके आप समझ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑकर व्हेन द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर इंक्रीजेस। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन ऑकर होंगी जब अगर स्पीड डीसी मोटर का बढ़ता है। आपको एक्सप्लेन कर दो, बेसिकली होता क्या है ना, अगर स्पीड बढ़ती है तो बैक ईएमएफ बढ़ता है और लाइन करंट डिक्रीज होता है। देखिए मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आप ये टर्म याद रखिएगा डीसी मोटर से रिलेटेड, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी, दैट मीन्स बैक ईएमएफ। ई बी होता है बैक ईएमएफ अपॉन फाई। ओके, तो देखिए अगर स्पीड बढ़ेगी दैट मीन्स तो ऑब्वियस सी बात है बैक ईएमएफ बढ़ेगा और लाइन करंट डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि फाई प्रोपोर्शनल होता है आई। ओके, आई सी, आई होप ये आपको समझ में आएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइसेस लाइक ए जनरेटर एंड मोटर अ स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन द स्टेटर एंड अ रोटर इन ऑर्डर टू परमिट मैकेनिकल क्लियरेंस, इंक्रीज फ्लक्स डेंसिटी, अवॉइड सेचुरेशन ऑफ द फील्ड, रिड्यूस रिलक्टेंस ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट। रिड्यूस रिलक्टेंस ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट ये तो ऑप्शन में नहीं, ये नहीं हो सकता। सेचुरेशन ऑफ अ फील्ड ये भी इससे रिलेट नहीं करता। इंक्रीज द फ्लक्स डेंसिटी, अगर गैप देते हैं तो फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाने में इससे भी कोई रिलेटेड नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टू परमिट अ मैकेनिकल क्लियरेंस। इस टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने, ये जो भी सेशन के एमसीक्यूज है, ये सेशन के कंप्लीट क्वेश्चन मैंने हर जे एग्जाम्स में जो भी जहाँ पे भी जे एग्जाम्स की पूछे गई है उनमें से मैंने कलेक्टिवली ये सेशन में अपलोड किया है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा ये सारे एग्जाम क्वेश्चंस जो है ना आप ध्यान से देखिएगा और इस सेशन को कंप्लीट एंड तक सुनिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, इट परमिट्स द मैकेनिकल क्लियरेंस। बेसिकली आपको बताऊँगा आर्मेचर और स्टेटर के बीच में जो भी एक छोटी सी गैप होती है वो क्यों होती है, तो उसका ऑब्वियस आंसर होगा जो मैकेनिकल क्लियरेंस दे सके उन चीज़ को, दैट सो दैट वो प्रॉपर रोटेट कर सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ अ फील्ड कंट्रोल मेथड फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज दैट इट गिव्स स्पीड्स लोअर दैन अ नॉर्मल स्पीड इट इज़ अ वेस्टफुल इट नीड्स अ लार्ज रियोस्टार्ट इट एडवर्सली इफेक्ट द कम्यूटेशन सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इट एडवर्सली अफेक्ट द कम्यूटेशन होता क्या है ना जो इफेक्ट होता है आर्मेचर रिएक्शन का वो ग्रेट होता है मतलब ज़्यादा होता है वीकेंड फील्ड पे इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ अ फील्ड कंट्रोल मेथड फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ अ डीसी शंट मोटर का हाईलाइट किया है डीसी शंट मोटर के लिए अप्लीकेबल है इज दैट इट एडवर्सली अफेक्ट द कम्यूटेशन ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ़ द बैक ईएमएफ इन अ डीसी मोटर वैनिशेज सडनली द मोटर विल ये क्वेश्चन हालांकि बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है हालांकि जब मैंने भी एग्जाम्स कुछ दिया था इसके पर उसमें भी ये दो तीन बार मैंने ये एमसीक्यूज नोटिस किया था इसलिए मैं आपको इसका प्रॉपर प्रायोरिटी बेसिस पे आपको इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसमें क्या होता है ना बहुत सारे व्यूअर्स को पता होगा कि ये इसका सीधा सीधा ऑप्शन में आंसर हैव अ वाइंडिंग बर्न अगर डीसी मोटर में अगर बैक ईएमएफ जो होता है डीसी मोटर में वैनिश हो जाए सडनली तो डीसी वो मोटर का वाइंडिंग जो होगा वो बर्न हो जाएगा ये क्यों होगा इसके पीछे का मैं सबसे पहला रीज़न बता देता हूँ बेसिकली क्या होता है ना लाइन करंट होता है आई ए इज इक्वल्स टू वी माइनस ई बी अपॉन आर ए ओके ये रिलेशन है आर्मेचर करंट का तो जब भी मोटर स्टैंड स्टिल होता है अगर मतलब या फिर स्टैंड स्टिल होता है या फिर अगर आप यहाँ पे कंडीशन में दिया है कि अगर ईएमएफ बैक ईएमएफ अगर वैनिश होता है मतलब ये बैक ईएमएफ अगर ज़ीरो हो जाता है तो होगा क्या कंडीशन देखो आर ए जो रहता है वो बेसिकली वन ओम के करीब बन रहता है सो दैट आर ए बहुत लेस रहेगा एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस जो रहेगा वो कम रहेगा अबाउट वन ओम के करीब और ई बी होगा ज़ीरो इसलिए जो आर्मेचर करंट है वो रहेगा ज़्यादा ये ज़्यादा करंट के कारण नहीं क्या मशीन का वाइंडिंग बर्न हो सकता है इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी इफ़ द बैक ईएमएफ इन अ डीसी मोटर वैनिशेस सडनली द मोटर विल हैव अ वाइंडिंग बर्न उसका वाइंडिंग बर्न हो सकता है ये इसका करेक्ट और टेक्निकल इसका एक्सप्लेनेशन था आई होप ये आपको समझ में आऊँगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्पीड कंट्रोल बाय वेरिएशन ऑफ फील्ड फ्लक्स इज एम्प्लॉयड इन सो बेसिकली इट इज़ एम्प्लॉयड इन अ कॉन्स्टेंट पावर ड्राइव ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इंटरमीटेंट स्पार्किंग एट द ब्रशेस ऑफ अ डीसी मोटर मे बी कॉज ड्यू टू एन ओपन आर्मेचर कॉइल इंटरमीटेंट लोड लूज कपलिंग या फिर इनकरेक्ट वोल्टेज इंटरमीटेंट स्पार्किंग जो भी होता है ब्रशेस पे डीसी मोटर पे वो कॉज होता है ओपन आर्मेचर कॉइल के कारण सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आई होप ये आपको इस सेशन का स्पीड आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा आपको आपका रिजोल्यूशन देने के लिए कभी भी रेडी हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अक्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड मोटर डज नॉट रन एट अ डेंजरसली हाई स्पीड एट अ लाइट लोड बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ डिज द बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शंट वाइंडिंग क्वेश्चन को आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दो कम्युलेटिव कंपाउंडेड मोटर वो डेंजरसली स्पीड पर नहीं रन होते जैसे कि अगर हम लोग डीसी सीरीज मोटर का आपने ग्राफ देखा होगा वहाँ पे इस टाइप का ग्राफ होता है ओके ये स्पीड और ये टॉर्क यहाँ पे ये टॉर्क टी है यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ टॉर्क तो एट लो स्पीड पे हाई टॉर्क रहता है या फिर हाई स्पीड पे लो टॉर्क रहता है इस टाइप की कंडीशन यहाँ पे कम्युलेटिवली कंपाउंडेड मोटर में नहीं आती है क्योंकि यहाँ पे शंट वाइंडिंग प्रेजेंट होती है आई होप आपको समझ में आऊंगा बेसिकली करता क्या है शंट वाइंडिंग प्रिवेंट्स द स्पीड फ्रॉम राइजिंग अबव अ सेफ वैल्यू कम्युलेटिव और एक मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कम्युलेटिव कंपाउंडेड मोटर क्या होता है ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर के बीच की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द डिमांड फॉर अ लार्ज इंक्रीज इन अ टॉर्क ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज मेट बाय जो भी डिमांड होता है लार्ज इंक्रीज इन टॉर्क डीसी शंट मोटर में वो किससे मेट होता है मतलब कौन सी चीज़ पे पैरामीटर पे ऐसा इफेक्ट होता है सो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लार्ज इंक्रीज इन करंट क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ विद आंसर द डिमांड फॉर अ लार्ज इंक्रीज इन अ टॉर्क ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज मेट बाय लार्ज इंक्रीज इन करंट देखिए इसका टेक्निकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूँ होता क्या है ना टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई
और आई ए, ओके। दैट मीन्स अगर टॉर्क बढ़ेगा तो आई ए भी बढ़ेगा। दैट मीन्स अगर अगर टॉर्क का डिमांड ज़्यादा होता है इंक्रीज का होने के लिए, तो सो दैट उसका करंट भी इंक्रीज होगा, सो दैट जो भी उसका डिमांड होगा टॉर्क बढ़ाने का वो मेट हो जाएगा लार्ज इंक्रीज इन करंट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर इंक्रीजेस द आर्मेचर करंट। अगर डीसी मोटर का स्पीड इंक्रीज होता है तो आर्मेचर करंट जो होता है वो डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है या कॉन्स्टेंट रहता है, सो इट डिक्रीजेस। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका एक एक्सप्लेनेशन बता दूँ, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है, आई ए इज इक्वल्स टू वी माइनस ई बी अपॉन आर ए, ओके। और ई बी डिपेंड करता है फाई पी जेड एन, ई बी का बेसिकली फॉर्मूला ये है अपॉन 60 ए, ओके। सो ई बी बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा, ओके। और दैट मीन्स आई रिड्यूस हो जाएगा। व्हेन द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर इंक्रीजेस इट्स आर्मेचर करंट डिक्रीजेस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। द मोटर टेक्स अ लार्ज करंट एट स्टार्टिंग बिकॉज द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज हाई, बैक ईएमएफ इज लो, शंट फील्ड इज प्रोड्यूसिंग वीक फील्ड, या फिर नन ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बेसिकली बैक ईएमएफ लो होता है, इसके पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जब भी मोटर मोटर लार्ज करंट क्यों लेता है स्टार्टिंग में, क्योंकि उसका बैक ईएमएफ लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग फिगर ऑफ अ डीसी शंट मोटर ऑन अ नो लोड द ई बी इंटू आई बी रिप्रेजेंट। यहाँ पे जो लॉस हो रहा है ये कौन सा रिप्रेजेंट करता है, सो बेसिकली इट इज़ अ टोटल फ्रिक्शन विंडेज एंड कोर लॉस। यहाँ पे मशीन आपको ऑब्वियस सा रीजन है, मशीन अगर नो लोड पे रन हो रहा होगा तो उसका कंप्लीट जो भी मैकेनिकल लोड नहीं रहेगा, तो जो भी उसका लॉस होगा यहाँ पे आर्मेचर में ई बी इंटू आई बी, वो होगा कंप्लीट टोटल फ्रिक्शन लॉसेस विंडेज और कोर लॉसेस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, सेम फिगर मैंने रखी है आपको समझने के लिए। यहाँ पे वी ए इंटू आई है, आई है। अगर सेम डीसी शंट मोटर नो लोड पे रन होता है तो वी ए इंटू आई ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, सो बेसिकली इट रिप्रेजेंट टोटल लॉसेस। नो लोड पे है तो जो भी हम उसको कंप्लीट वोल्टेज इनपुट दे रहे हैं और उसका करंट जो भी एब्सॉर्ब हो रहा है वो कंप्लीट चला जाएगा लॉसेस को कॉम्पेंसेट करने के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आई होप ये आपको समझ में आऊंगा। ई बी इंटू आई ए होगा तो वो उसका टोटल फ्रिक्शन विंडेज लॉसेज होगा, अगर कंप्लीट आप वोल्टेज को कंसिडर करेंगे अप्लाइड वोल्टेज और आर्मेचर करंट को, तो वो होगा कंप्लीट टोटल लॉसेज ऑन द कंडीशन ऑफ नो लोड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डमी कॉइल्स इन द डी सी मशीन आर यूजफुल टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, नो, इम्प्रूव द कम्यूटेशन, नो, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मशीन, नो, मेंटेन द क्लियरेंस, मेंटेन द मैकेनिकल बैलेंस ऑफ आर्मेचर, करेक्ट। जो डमी कॉइल्स होती है आर्मेचर में वो मेंटेन करती है मैकेनिकल बैलेंस को, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आर्मेचर एमएमएफ वेवफॉर्म ऑफ अ डीसी मशीन इज पल्सेटिंग, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर या फिर साइनोसाइडल। सबसे पहले आपके मन में यही आऊंगा इट वेदर इट इज अ साइनोसाइडल और पल्सेटिंग, सो इसका करेक्ट आंसर है, ये दोनों भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रायंगुलर। यूपीसी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है बीएमसी, मतलब जो भी जेई एग्जाम्स में पूछे गए थे, जेई एग्जाम्स हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। बेसिकली मुझे अभी एग्जैक्ट वो जेई एग्जाम्स याद नहीं आ रही, बट मैंने कलेक्टिव ये क्वेश्चन उसमें से लिया गया, उसी में से ही लिया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल सिलेक्टिंग अ डीसी मोटर। अगर हम लोग डीसी मोटर, कोई भी डीसी मोटर अपने एप्लीकेशन के लिए चूज करते हैं, वेदर इट इज़ अ एलिवेटर या फिर अगर कोई आपका स्पेशल पर्पज आपका कोई डीसी मशीन का काम है या फिर आपको, तो आप सबसे पहले कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे, आप उसका टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे या नहीं, आप उसका स्पीड और आर्मेचर करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे या नहीं, आप उसका सबसे पहले देखोगे स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका सबसे मैं अच्छा से एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। देखिए क्या होता है, आपको सभी को पता होगा ट्रैक्शन पर्पस में हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये होता है स्पीड और यहाँ पे टॉर्क, ओके। लो स्पीड पे हम लोगों का
हाई स्पीड पे हम लोगों को लोअर टॉर्क मिलता है और हाई टॉर्क पे हम लोगों को लो स्पीड, मतलब अगर लो स्पीड होता है तो टॉर्क ज़्यादा रहता है एलिमिनेट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन्स का जो इनिशियल इनर्शिया होता है वो ज़्यादा होता है, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों को इनिशियली लो स्पीड पे हम लोगों को टॉर्क ज़्यादा चाहिए, और उसका जब भी उसका इनर्शिया ओवरकम हो जाता है तो हाई स्पीड पे हम लोगों को टॉर्क कम चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को बेसिकली कोई भी अगर डीसी मोटर सेलेक्ट करना है तो हम लोगों को उसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स देखना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिमांड फॉर अ लार्ज इंक्रीज इन अ टॉर्क ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर इज मेड बाय। सो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लार्ज डिक्रीज इन अ स्पीड। ये सेशन में आपको इसके पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, सेम डीसी शंट मोटर और डीसी सीरीज मोटर का एक्सप्लेनेशन है, आप उसको जो भी इक्वेशन मैंने एक्सप्लेन किया था वो सेम इसके लिए अप्लीकेबल है। द डिमांड फॉर लार्ज इंक्रीज इन टॉर्क ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर इज मेड बाय लार्ज डिक्रीज इन अ स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ शंट फील्ड वाइंडिंग एज कम्पेयर टू सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज मोर लेस या फिर द सेम। सो बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ अ शंट फील्ड वाइंडिंग इज मोर एज कम्पेयर टू द सीरीज वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन, बेसिकली द कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन विद सीरीज विद द आर्मेचर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज एन ऑक्सिलरी वाइंडिंग एम्बेडेड इन अ स्लॉट्स इन अ पोल फेसिस ऑफ अ मेन पोल आर्मेचर पार्शली इन अ पोल फेसिस आर या फिर पार्शली इन द आर्मेचर, मतलब आधी पोल फेसिस पे या फिर आधी आर्मेचर पे होती है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग इज एन ऑक्सिलरी वाइंडिंग एम्बेडेड इन जो कि लगी होती है पोल फेसिस ऑफ द मेन पोल्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सो आई होप ये आपको सेशन पसंद आया होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को सब्सक्राइब करें, इस सेशन को लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करेगा सो दैट मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसका पीडीएफ मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसकी चिंता ना करें। ये सेशन आपके फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, फेसबुक ट्विटर गूगल या फिर व्हाट्सएप से लेते हुए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, हैव अ नाइस डे।